हाँ जी दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये अब क्या नया है, तो आपको मैं इस वीडियो में डांग में कैसे एंगेजमेंट करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो आप वीडियो को कंटिन्यू करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ कोटबा गांव पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ का जो चांदला विधि होता है, हमारा डांग का रीति रिवाज, वो मैं आपको शेयर करूँगा यूट्यूब माध्यम से, तो देखना ज़रूर। यहाँ पे मंडप लगा रखा है मेहमानों के लिए और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और ये कैसे भूल सकते हैं, इट्स कॉल्ड रसना। सो फ्रेंड्स, अभी वराजा जी पधर चुके हैं, तो कुछ इसी तरह से वधु के घर वाले वराजा जी को लेने के लिए आते हैं। और ये है मेरे स्वीट फुआ जी। और ये है हमारे दूल्हे राजा जी। ये हमारी अम्मा जी, आप कहाँ पे आ गए हैं? कोटबा गांव में सगाई में आए हैं, चांदला में। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? वो जरा मेरे पैर में दर्द है ना, इसलिए भीड़ भाड़ वाले जगह में मैं नहीं जाती। बराबर बराबर। और ये कौन है? पापा जी। अब जैसे आप देख रहे हो कि वधु जी उनके हाथों से वरराजा को और उनके ससुरालों को पानी पिलाएंगी।
फ्रेंड्स, अभी दोनों पार्टी वाले आमने सामने बैठकर वर राजा जी और वधू जी को पूछते हैं कि वर राजा जी को वधू जी पसंद आई कि नहीं, और वधू जी को भी पूछते हैं कि वर राजा जी पसंद आए कि नहीं, और दोनों पेरेंट्स को भी यही पूछते हैं सेम क्वेश्चन। तो आप सभी लोग अब ये सोच रहे होगे कि आखिर में इस बड़ी थैली में क्या है, तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि इसमें लड़के वाले लोग मिराज, तंबाक, बीड़ी, बिस्किट ये सारी चीज़ें लाते हैं। राम राम। ऐका बाटील कारभारी पाच पंच जात्रा बोलला हुकुम। राम राम। और तभी मेरी नज़र इन मासूम छोटी सी बच्चियों पे पड़ी और वो लोग दूल्हे राजा को दूर से ही देख रहे थे कि हाँ वो ही है दूल्हे राजा। तो अभी दोनों लोग दूल्हे राजा और दुल्हन जी अपने जगह पे बैठ गए हैं और अब उन दोनों के माथे पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग 5 बार कंकु का टीका लगाएंगे। तो आ कैसे लगाते हैं वो आप देख लीजिए। Thank you.
नो सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरह नई नई वीडियो आपको देखने मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय।